नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आज सुबह से गिरिराज सिंह का ट्वीट बिहार की सियासत के साथ साथ देश में भी ट्रेंड कर रहा है। जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कई बड़े एनडीए के नेताओं के ऊपर में तंज कसते हुए इफ्तार और फलहार की सियासत को लेकर हमला बोला था, उसके बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे बयान पर जो खबर आ रही है उसके मुताबिक गिरिराज सिंह नीतीश कुमार से माफी मांगने के लिए कहा है। अमित शाह ने गिरिराज सिंह से बातचीत करते हुए कहा है कि इस तरह के बयान ना दें जो एनडीए के रिश्तों में खटास पैदा करते हो। अमित शाह ने गिरिराज सिंह से अविलंब इस पूरे मसले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफी मांगने को कहा है। ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के बाद लगातार जो है वो विवाद बढ़ता चला गया। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने पहले हमला बोला, उसके बाद खुद बीजेपी के बिहार में डिप्टी सीएम जो है सुशील मोदी, उन्होंने इस मामले पर हमला बोला। उसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भी चिप्पी तोड़ी इस मामले में कि कुछ लोग इस तरह के बयान सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए देते हैं, उसके बाद दिल्ली से जो खबर आ रही है कि अमित शाह ने इस पूरे मामले पर गिरिराज सिंह को फटकार लगाई है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक गिरिराज सिंह से अविलंब इस पूरे मामले में माफी मांगने को कहा है। खास बात यह कि बिहार में पिछले 3-4 दिनों से इफ्तार पार्टी का आयोजन अलग अलग पार्टियों की तरफ से, अलग अलग नेताओं की तरफ से किए जा रहे थे। जेडीयू की तरफ से भी इफ्तार था, लोजपा ने भी दिया, तो जीतनराम मांझी ने भी दिया। इन तमाम इफ्तार के बाद कि अगर बात करें तो जिस तरीके से जो गिरिराज सिंह ने तमाम इफ्तार की तस्वीरों के साथ आज सुबह में एक ट्वीट किया और लिखा कि नवरात्र में फलहार भी हो तो ज़्यादा बेहतर है, कुछ लोग सिर्फ इस तरीके से इफ्तार करते हैं। इस पूरे ट्वीट के बाद में बीजेपी पर, खासकर गिरिराज सिंह पर, जेडीयू पूरी तरीके से आक्रामक हो गई। और अब जब ये मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के हैं अमित शाह, उन तक पहुंचा है, तो उन्होंने इस पूरे मामले पर गिरिराज सिंह को फटकार लगाते हुए अविलंब नीतीश कुमार से माफी मांगने को कहा है। आपको बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल से एनडीए के घटक दल के तौर पर जेडीयू शामिल नहीं है। उसके बाद से बिहार जो एनडीए है उसके भी रिश्ते में तलखी नजर आ रही थी, और गिरिराज सिंह ने के इस ट्वीट ने इसको और बढ़ा दिया। जाहिर तौर पर इसके बाद की बात करें तो अब अमित शाह सामने आ गए हैं और उन्होंने इस पूरे मामले पर गिरिराज सिंह से, नीतीश कुमार से गिरिराज सिंह को माफी मांगने को कहा है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।